हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रंजु। आज की इस वीडियो के अंदर सस्ते जुगाड़ के अंदर पावरफुल 8000 mAh का पावर बैंक बनाने वाले हैं। अगर आप नॉर्मली मार्केट से लेने जाओगे पावर बैंक या फिर ऑनलाइन परचेज करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा महंगा मिलेगा, इससे आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे। बट भाई साहब, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज्यादा सस्ते जुगाड़ के अंदर पावर बैंक बनाने वाले हैं, अभी मजा आएगा ना वीडियो, जिससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर से कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड अगर आप जो है चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी मजेदार यूजफुल प्रोजेक्ट मेकिंग की वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो चलो फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, पावर बैंक बनाना शुरू करते हैं। तो पहले की समय चाहिए यहाँ पे जो है 4 लिथियम आयन के सेल। यहाँ पे ये जो 3 सेल है ये है जो है ना मतलब 1200 mAh के, तो 3 सेल 3600 के हो गए। एंड ये जो चौथा सेल है ये 2400 mAh का, मतलब चारों सेलों को मिलाने के बाद हमारा पावर बैंक बन जाएगा गाइस जो है पूरे 6000 mAh। तो हम इनको जो है 6000 mAh का बनाने के लिए हम कनेक्ट करेंगे, मतलब इनके कनेक्शन करेंगे चारों सेलों के पैरेलल के अंदर। पैरेलल से क्या होगा, mAh बढ़ जाएंगे, जो वोल्टेज है वो उतने ही रहेंगे, मतलब 3.7 वोल्ट ही रहेंगे। एंड mAh मतलब बढ़ जाएंगे, एम्पियर बढ़ जाएंगे। तो चलो फटाफट से गाइस जो इनके कनेक्शन करते हैं। तो ये रहेगा इस वायर, तो चलो फटाफट से सोल्डिंग करना शुरू करते हैं। एंड पैरेलल के अंदर कनेक्शन कैसे होते हैं अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ आपको। गाइस क्या करना है ना कि चारों सेलों के जो पॉजिटिव हैं वो एक साथ कनेक्ट कर देने हैं और चारों सेलों के जो नेगेटिव हैं वो एक साथ कनेक्ट कर देने हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पैरेलल के अंदर कनेक्शन। तो गाइस मैंने जो सारी बैटरीज को पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिया एंड साथ में यहाँ पे जो है एक सेल और लगा दी जो कि किस 2000 mAh का था। तो इस ये मैंने इसीलिए लगाया, मैंने सोचा यार क्यों ना इसके जो mAh थोड़े और बढ़ा दिए जाए। तो अभी ये जो ना बन चुका है पूरे 8000 mAh का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है एंड मतलब पावरफुल नहीं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा बैकअप देने वाला ये हमारा जो है बैटरी बन चुकी है। अभी जो है हम यहाँ पे इसके साथ में लगाएंगे ये वाला पावर बैंक का मॉड्यूल। यहाँ पे जो ना ये आप मॉडल नंबर देख सकते हो JX देख सकते हो, यहाँ पे काफी ज्यादा पास में आपको दिखा दिया। तो आप ये वाला मॉड्यूल भी लगा सकते हो, जो आपको मार्केट में अवेलेबल मिलता है वो वाला आप यूज कर सकते हो। सिंगल चैनल का भी लगा सकते हो, 3 चैनल का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी कैसे है हम इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे। तो ये रहा B+ और ये रहा B-। तो चलो फटाफट से इसके कनेक्शन भी कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी कनेक्शन है, तो फटाफट से इसको भी हम कर लेते हैं। फाइनली गाइस मैंने कनेक्शन कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और अभी गाइस जो है हम इसको जो है मतलब पूरे को फिट करेंगे एक डिब्बे के अंदर। आप पीवीसी का भी डिब्बा बना सकते हो या फिर ऐसा भी कोई भी जो है घर पे डिब्बा ले सकते, कबाड़ वबाड़ से मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ पे मैंने एक डिब्बा लिया और साइड में जो है यहाँ पे मतलब एक साइड में यहाँ पे पावर बैंक है, यहाँ पे USB के लिए सॉकेट के लिए एंड चार्जिंग यहाँ पे सॉकेट के लिए, और पीछे में यहाँ पे एक छोटा सा स्विच दे रखा है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे गाइस जो है मतलब मैंने यहाँ पे मार्किंग करके होल कर लिया पहले से ही, ताकि गाइस जो है वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। अभी गाइस जो है हम इसको इस टाइप से ऐसे फिट करेंगे और ये जो है हमारा मॉड्यूल कुछ इस टाइप से ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ग्लू गन लगा के इसको अच्छे से चिपका देंगे, आप नट बोल्ट वगैरह भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट से जो इसको ग्लू गन से अच्छे से सारी चीजों को फिट कर देते हैं। फाइनली गाइस ये हमारा होममेड पावर बैंक एकदम मस्त पावर बैंक गाइस जो बन चुका है। एंड गाइस जो ये है पूरा 8000 mAh का, मतलब 8000 mAh का गाइस जो ये पावर बैंक है, बहुत ही ज्यादा मस्त पावर बैंक बन चुका है एंड बहुत ही ज्यादा सस्ते के अंदर बन चुके हैं। ज्यादा इसको बनाने में आपके पैसे भी जो है नहीं लगने वाले, ठीक है। तो बहुत सारे पैसे आपसे मतलब अगर आप इसको बनाते हो बहुत सारे आपके इससे पैसे बच सकते हैं एंड लगभग 2 से 3 बार हम इसे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो है इसे मोबाइल भी चार्ज करके दिखाने वाला हूँ। तो ये रहा गाइस जो मतलब केबल, चार्जिंग केबल, तो इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे मतलब इस मॉड्यूल के अंदर। मोबाइल यहाँ पे मैं ले आया हूँ और ये रिचार्जिंग केबल, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो केबल है मोबाइल जो पावर बैंक से ही आ रही है, तो यहाँ पे अभी लगाता हूँ इसके अंदर। तो गाइस जो है यहाँ पे अब देखना गाइस जो है थोड़ा स्लो है हमारा मोबाइल, ठीक है। तो देखो गाइस जो ये चार्ज होना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा स्लो था मतलब टाइम ज्यादा लेता है ये। तो देखो यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो चुका, ऊपर में भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो काफी मस्त काम कर रहा है हमारा पावर बैंक। तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाता हूँ, निकाल के दोबारा लगाता हूँ अभी यहाँ पे। तो अभी गए जो थोड़ा स्लो है, अभी ये थोड़ा आने में टाइम लगेगा चार्जिंग वाला, ठीक है।
तो ये देखो गाइस अभी चार्ज होना शुरू हो चुका है, तो बहुत ही मस्त यहाँ पे काम कर रहा है गाइस। जो सिर्फ मोबाइल स्लो है गाइस, जो पावर बैंक बहुत ज्यादा मस्त है, मतलब बहुत जल्दी आपका मोबाइल चार्ज भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे गाइस जो मैंने आपको मोबाइल चार्ज करके दिखा दिया, बहुत ही मस्त गाइस जो है काम कर रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा। और लुक भी देखने में बहुत ज्यादा मतलब यूनिक से, आप अगर आप इसको मतलब जो कहीं पे है मतलब पब्लिक के बीच में आप इसे मोबाइल चार्ज करोगे ना, तो भाई साहब अलग ही आपको मतलब जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा कि ये कौन सा पावर बैंक है भाई साहब। अच्छा बहुत ज्यादा मस्त है, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, लाइक कर देना, बहुत मेरा लगी है तो यार लाइक जरूर से बनता है, मतलब लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियोस देखने के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगे इस चैनल के ऊपर। तो चलो मिलते हैं जल्द आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।